નમસ્તે દર્શક મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે. સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં થયેલ હત્યા મામલો. પાંડેસરા પોલીસે ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો. પાંડેસરા પોલીસે હત્યા કરનાર 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. પત્નીના અફેરમાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. મરનારનું અફેર મારનારની પત્ની જોડે હોવાથી હત્યા કરી હતી. પોલીસે 6 ઈસમોને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ શરૂ કરી. अठारह अक्टूबर को पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में सुबह 100 नंबर का एक कॉल हुआ कि तिरुपति इंडस्ट्रीज़ के पास में खुली जगह जहां पे झाड़ खड़े हैं वहां पे एक डेड बॉडी जिसका गला कटा हुआ है, ऐसी एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है. उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो शुरू में आइडेंटिफाई नहीं हुआ. बाद में पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर आसपास जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कौन कौन गैर हाजिर हैं उन सब का वेरीफाई किया गया. तो वेरिफिकेशन के दौरान पता लगा कि जो डेड बॉडी है वो पूर्ण गुड्डू शाह है. ये तुलसीधाम सोसाइटी पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से मध्य प्रदेश का है. इन्वेस्टिगेशन के दौरान 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है. तो पता लगा कि ये पूर्ण गुड्डू शाह है, इसकी वाइफ है संगीता, उसका एक अजय कुमार नाम के लड़के के साथ में पिछले कई वर्षों से अफेयर है. ये अजय जो है ये मूल जौनपुर यूपी का रहने वाला है और यहाँ तृप्ति नगर मिलन पॉइंट पांडेसरा में रहता है. अजय इस पूरन गुड्डू शाह को अपने रास्ते से हटाना चाहता था तो इसने अपने एक दोस्त हरिशंकर को बताई ये बात कि इसको अगर रास्ते से हटा देंगे तो मैं इस लड़की से शादी कर पाऊँगा. तो हरिकृष्ण ने एक सागर नाम के लड़के से जो मूल रूप से गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का रहने वाला है और अभी पांडेसरा में ये काम करता है उसको बताया. तो 50,000 रुपये में हरिशंकर और सागर के बीच में डील हुई. उसमें से 22,000 रुपये उसने एडवांस मर्डर से पहले दे दिए. सागर के दोस्त हैं एक राकेश राम खिलावन केवट, संतोष भास्कर महंती, जितेंद्र उर्फे जितेन मोजीलाल रूपाले. ये चारों लड़कों ने मिलकर और पूरन को उस दिन शाम को वहाँ पे बुलाया, थोड़ा उसको खिलाया पिलाया और बाद में चाकू से उसकी हत्या कर दी. और हत्या करने के बाद में सागर ने हरिशंकर को बता दिया कि काम हो गया है, बाकी का पेमेंट आप रेडी कर लो. और हरिशंकर ने अजय को बता दिया. वेपन अभी रिकवर नहीं हुआ है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं जो वेपन जिससे मर्डर हुआ है वो रिकवर करने का. तो वो आज पंचनामा करके रिकवर कर लें. उसकी वाइफ का अभी तक डायरेक्ट मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है, पर ये अजय को ये था कि अगर ये मर जाएगा तो वो मेरे साथ शादी कर लेगी. बाकी वाइफ को भी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए बुलाया है उसके आने के बाद में, और अजय की रिमांड लेके और पूछताछ करेंगे. उसके बाद में जो भी फैक्ट सामने आएंगे वो आपको अपडेट कर देंगे. मारने वाले कौन से राज्य से?